फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने झांसी में चलकर फतेहपुर पहुंची शौर्य जागरण यात्रा का स्वागत किया। शौर्य यात्रा में जिले के ऐतिहासिक धरोहरों सहित देशभक्त योद्धाओं की सुंदर झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, जो कि झांसी से लेकर बनारस तक और ब्रज क्षेत्र में मथुरा तक निकाली गई है। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो अपनी संस्कृति और धरोहर को भूल जाता है उसे मिटने में वक्त नहीं लगता है। हिंदू परिषद के द्वारा झांसी से लेकर के बनारस तक और ब्रज क्षेत्र में मथुरा तक निकाली गई है। पूरे क्षेत्र में क्या है कि कई बार आदमी अपने अस्तित्व को भूल जाता है। हम क्या है, हमारी संस्कृति क्या रही है, उसको जरूर स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि जो अपने पूर्व संस्कृति को, अपनी धरोहर को भूल जाता है, उसको मिटने में टाइम नहीं लगता। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो इस शौर्य यात्रा में फतेहपुर में पूरे जोशो खरोस के साथ यहाँ की जनता ने स्वागत भी किया है। अब यहाँ से खागा जाएगी, खागा से चित्रकूट जाएगी।